Hello everyone and welcome back to my channel दिशा the path of you. I hope आप सभी अच्छे होंगे. पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्राणायाम के तीन पार्ट होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक. पूरक इनहेलिंग क्रिया को हम पूरक कहते हैं, रेचक एक्सहेलिंग क्रिया को हम रेचक कहते हैं, और कुंभक यानी कि अपने श्वास को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना कुंभक कहलाता है. तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कुंभक में. तो जैसे मैंने बताया, कुंभक का मीन्स है नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना. अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुंभक के भी दो टाइप्स होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक. अंतः कुंभक मीन्स जब हम इनहेल करते हैं, श्वास को हम अंदर की ओर होल्ड करके रखते हैं, यानी कि कंट्रोल करके रखते हैं, उसे हम अंतः कुंभक कहते हैं. और बाह्य कुंभक जब हम एक्सहेलिंग की प्रक्रिया करते हैं और हम अपनी श्वास को जहां है वहीं कंट्रोल करके रखते हैं, वो हमारा होता है बाह्य कुंभक. यानी कि श्वास जहां है उसे वहीं कंट्रोल करना, वहीं नियंत्रित करना, ये कहलाता है कुंभक. तो अब बात आती है कि कुंभक को कैसे किया जाता है, यानी कि अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने इसे रेशियो में डिवाइड किया है, 1:4:2 में. यानी कि 1 means 10 seconds, 4 means 40 seconds एंड 2 means 20 seconds. यानी कि जब आप इनहेल करें तो आपको 10 seconds तक इनहेलिंग प्रोसेस करनी है, 40 seconds तक आपको कुंभक लगाना है यानी कि अपने ब्रीथ को कंट्रोल करना है, और 20 seconds यानी कि आपको एक्सहेलिंग की प्रक्रिया करनी है. क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत में योगा कर रहे हैं या जो प्राणायाम को अपने शुरुआती जीवन में ला रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा. तो मैं आपको कंसल्ट करूंगी कि आप स्टार्ट में 10:10:10 के उसमें आप करिए इसे. यानी कि 10 seconds आपने इनहेल किया, 10 seconds आपने इसे कंट्रोल किया यानी कि कुंभक लगाया, और 10 seconds आपने एक्सहेलिंग की प्रक्रिया की. धीरे धीरे जब आप इसमें अभ्यास हो जाएंगे तो 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाना, यानी कि अपने कुंभक वाली प्रक्रिया को बढ़ाना, अपने कंट्रोल को बढ़ाना. आप अपना आपका अपने बॉडी में कितना कंट्रोल है. तो देखिए, पहले क्या करना है आपको, 10:10:10 में करना है आपको, ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको, 10, 20 एंड 10, यानी कि जो कुंभक की प्रक्रिया हमें, जो रोकने की प्रक्रिया है, उसे आप धीरे धीरे बढ़ाइए. फिर 10, 30, then 10. फिर आप जब इसमें हो जाएंगे, फिर 10, 40, 10. अगेन 10, 40, 20. धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाइए तो आप इसमें बिल्कुल अभ्यस्त हो पाएंगे. अगर कुंभक को अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ किया जाए तो उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है. नाड़ी शोधन का मीन्स है कि नाड़ियों की शुद्धि करना. अब बात आती है कि नाड़ियां क्या होती हैं. वैसे तो हमारे शरीर में काफी नाड़ियां होती हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में वर्णन किया गया है, 72,000 नाड़ियों का किया गया है, जिसमें से 3 मुख्य होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड होती है, यानी कि उसे चंद्रेश्वर कहा गया है, जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है यानी कि ठंडा करती है. दूसरी है सूर्यस्वर यानी कि पिंगला नाड़ी, जो हमारे शरीर को गर्म करती है. और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करती है और इन दोनों लेफ्ट एंड राइट नोज के बीच में से होती हुई जाती है, आज्ञा चक्र के बीच से होती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी. और इन तीनों नाड़ियों को नाड़ी शोधन के द्वारा हम बैलेंस करते हैं, जिससे हमारे शरीर की सारी व्याधियां दूर होती है. तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को कुंभक नहीं लगाना चाहिए या नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए. स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें. और वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुंभक लगाना नहीं होता, उसमें आपको कोई होल्डिंग प्रोसेस नहीं करनी होती है, तो अनुलोम विलोम उनके लिए काफी अच्छा है, बस वो कुंभक का उपयोग ना करें. तो चलिए एक बार साथ में करते हैं, मैं आपको बताऊंगी 10:10:10 में, ताकि जो बिगनर्स है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, अपने बाएं हाथ को किसी भी मुद्रा में, दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनेगी आपकी, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें सहजता से बंद, अपनी राइट नोज को बंद करना है अंगूठी से. आप क्या करना है आपको, 10 seconds इनहेल करना है, 10 seconds होल्ड, नाउ 10 seconds एक्सहेल.
अभी फिर से इनहेल करेंगे, गुड ना एक्सहेल, एक बार फिर से इनहेल, होल्ड, नाउ एक्सहेल, अब इसी प्रक्रिया को आपको कम से कम 5 से 7 बार दोहराना है और उसके बाद धीरे से रिलैक्स, आप आंखें खोल सकते हैं, कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें कितनी देर इस प्राणायाम को करना चाहिए। जैसे मुझसे पिछली वीडियो में कमेंट में पूछा था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम कितनी देर कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग में आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमें आदत है नहीं इतनी देर बैठने की, तो आप 5 से 7 राउंड कीजिए और धीरे धीरे इसे मिनट में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपने पहले 5 से 7 राउंड किए, फिर उसके बाद आप टाइम देखिए कि आप 5 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, फिर 10 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि एक एक हफ्ते के गैप में आप इस प्रोसेस को बढ़ाइए धीरे धीरे। तो हो सकता है कि आप आधा घंटा दे पाए, 1 घंटा दे पाए, तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ानी है। तब तक आप घर में प्रैक्टिस करिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।